स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड्स में आप सभी देखने वाले हैं कि सीरत और रणवीर होंगे एक दूसरे के साथ। रणवीर सीरत को सॉरी कह रहा होगा क्योंकि उसने जो कुछ भी किया 2 साल में उन सब के लिए वो उसे माफी मांगेगा, लेकिन यहाँ पर सीरत उसे समझेगी और कहेगी कि रणवीर ने तो उसकी जान बचाई है। दोनों के बीच इमोशनल सा मोमेंट यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। जहाँ 2 साल बाद ये दोनों एक दूसरे से फिर प्यार का इजहार करते नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि घर वाले सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे होंगे। यहाँ पर मौड़ी बहुत हैरान होगी, लंबी लंबी सीढ़ियाँ और सांप देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे और इसकी वीडियो सीरत के पास भेजी जाएगी। सीरत इस वीडियो को देखने में काफी व्यस्त हो जाएगी। ऐसे में रणवीर सीरत के पास बहुत सारे मैसेजेस करेगा, लेकिन वो काफी सोच में पड़ जाएगा कि सीरत ऑनलाइन तो है लेकिन वो मैसेज क्यों नहीं देख रही, क्यों उनका जवाब नहीं देख रही है, क्यों उनका जवाब नहीं दे रही है। रणवीर ये देखकर काफी परेशान होगा। वहीं सीरत ये वीडियो देखकर काफी एंजॉय कर रही होगी, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होगी वो देखेगी कि रणवीर के 60 मैसेजेस आए हुए हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएगी। वहीं इसी के साथ अब आप देखेंगे कि एक और कायरव भी मौड़ी से पूछता हुआ नजर आएगा कि क्या वो खुश हैं रणवीर और सीरत की शादी से, लेकिन मौड़ी उसे कोई भी जवाब नहीं देगी। वेल, इस वक्त सभी हैं काफी कंफ्यूज। एक और सीरत को लग रहा है कि शायद रणवीर के मिलने के बाद अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है, अब उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो सीरत के सामने और भी परेशानियां आने वाली हैं। जब उसे फिर कार्तिक के पास जाने का फैसला लेना पड़ेगा और यहीं से शो में नया ट्विस्ट आएगा। और इसी के साथ आप देखेंगे कि रणवीर कर रहा होगा सीरत का इंतजार क्योंकि सीरत का मैच होता है, लेकिन सीरत जब कार्तिक के साथ बाइक पर आती है तो ये देखकर रणवीर बौखला जाता है और आप देखेंगे कि कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव होता नजर आएगा रणवीर, जो होगा काफी बुरा बर्ताव। अब यहाँ देखना ये होगा कि कितनी जल्दी सीरत को ये रियलाइज होगा कि उसके लिए रणवीर नहीं बल्कि कार्तिक ही ठीक है। कैसे होगा ये सब, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।